बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल हरियत से होंगे। तसव्वुर फूड सीक्रेट्स में मैं हुमैरा तसव्वुर आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, जफ फ्राई। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई। हम फ्राई तवे पे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ही साथ वो भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ये आज सबसे पहले मैं आपको धोने का तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत से लोग तरीकों से धोते हैं। तो आज हम मछली को धोएंगे आटे से। ऐसे मछली बहुत ही अच्छे तरीके से ज़बरदस्त सी साफ हो जाती है। असल में मेरे अबू को फिश बहुत पसंद थी और वो तवे पे बहुत मज़े की बनाते थे। तो पीस को थोड़ा से छोटे पीसेस कर लेते हैं हम इसके, ताकि ये इजीली जो है ना हो जाए। जी तो मछली के हमने पीसेस कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे आटा और आटा डालने के बाद हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। आटे से ये फ़ायदा हो जाता है कि ये बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। इसके ऊपर जो इसके लगे होते हैं रेशे वगैरह वो सारे इजीली ऊपर से रिमूव हो जाते हैं। हमारे घर में मछली शुरू से इसी तरह साफ होती आई है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से ऊपर हाथ मारेंगे तो ये सारा अच्छे से साफ होती जाएगी। ये चेक करें, ये ऊपर से इसके वो उतर रहे हैं। इसको हम अच्छे से सबके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हमने इस फिश को वॉश करना है। ये देखें, सारे पीसेस पे आटे को अच्छे से लगा के, तो उसके बाद हम हर पीस को इस तरह से दोनों हाथों में लेके अपने थम्स की मदद से इस तरह से इसको साफ करेंगे। तो ये देखें, साफ करते करते ही ये कितनी ज़्यादा, वो जैसे जैसे आटा इसके ऊपर होता है उसके साथ ही ये तकरीबन साफ हो गया। जैसे हम इस पे पानी डालेंगे तो ये ज़बरदस्त सी साफ हो जाएगी। जी तो ये देखें, हमारी फिश अल्हम्दुलिल्लाह धुल के बहुत अच्छे से साफ हो चुकी है। इसको हमने सिंपल आटे से धोया है, कोई इसमें हमने मसाला नहीं लगाया, कोई नमक नहीं लगाया इसको धोने के लिए। अच्छा, तवा फिश बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के साथ है हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा, नमक, सूखा धनिया और सूख मिर्च। यहाँ पे सूखा धनिया, मिर्च और नमक के लिए हम एक जैसी मिकदार में लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अजवाइन और ज़ीरा सफ़ेद, इन दोनों को मैंने तवे पे भून लिया था, तो इन सबको मैं अब मिक्स कर दूंगी। इन दोनों का मैंने पाउडर बना लेती हूँ अब। जी तो ये चेक करिए, हमने इसको पीस लिया है। अब हम इनकी चीज़ों को एक साथ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक, आप इसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये हमारी आखिरी इंग्रेडिएंट है इसमें सूख मिर्च। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हमारे घर में फ़िश सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइए, बहुत ही मज़े की ये आपको लगेगी। तो इधर हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सब एक जान हो जाए। जी तो ये देखें, सारे मसाले हमारे एक जान हो गए। इन
मसालों में शामिल है नमक, सूरख मिर्च, सूखा धनिया, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा। तो चलें इसको अब फिश पे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फिश हमारी ज़बरदस्त सी थी, साफ हो चुकी है। इस तरह से हम सारी फिश पे मसाले को लगा देंगे। इसकी कोई भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए, ये चेक करिए। इसी तरह सारी फिश पे हम मसाला लगा लेंगे, ये देखिए, और ये चेक करिए। जी तो ये चेक करें, सारी मछली को हमने मसाला लगा लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी तो तवा हमने ऊपर रख दिया है, फ्लेम हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत तेज़ है ना बहुत स्लो है। अब हम इस पर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हम थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। जी तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक टमाटर रखते जाएंगे नीचे, और उसके ऊपर हम मछली का पीस रखते जाएंगे इस तरह से। फिर एक टमाटर और उसके ऊपर इसी तरह मछली का पीस। बहुत मज़े की बनती है ये तवा फिश फ्राई। अब हम इसको ढक देंगे इस तरह से परात के साथ, और इसके ऊपर हम डोरी से वजन डाल देंगे। 6 से 7 मिनट हम एक साइड से इसको पकाएंगे, इसके बाद हम इसको देख लेंगे, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी तो ये देखिए हम इसको अभी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, हमारा टाइम पूरा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारा इसका अपना पानी है, इसको एक दफ़ा साइड इसकी चेंज कर लेते हैं हम, ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए जी तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ये देखें, ये एक्चुअली मेरे अबू और नाना अबू की रेसिपी है, जो बहुत मज़े की मछली बनाते थे और हमारी पूरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती थी ये। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अब हम ऑलरेडी फिश हमारी रेडी हो चुकी है, इसको ये मसाला सारा हम इसका ऊपर ही उतार देते हैं। अब मज़ीद हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए जो है ना दोबारा देंगे, ताकि जो हमने इसकी साइड चेंज की है वो भी प्रॉपर तौर से कुक हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि अब इसको हमें ज़्यादा
कुछ भी करने की इसके साथ हमें ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से इसको दोबारा से हम ढक देंगे और उसके ऊपर हम वज़न रख देंगे। इसी तरह की एक सेम रेसिपी मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो कि हमने बैंगन का भरता बनाया था तवा बैंगन के नाम से, उसमें भी ये रखने का स्टाइल बिल्कुल सेम था। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी मेरी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी जी। तो ये हम चेक करेंगे इसको, अब रात एक्चुअली गर्म है लेकिन मेरे हाथ ठंडे हैं, तो मुझे इतना ये फील नहीं हो रहा। तो फ्लेम हमने बंद कर दिया, जी तो ये फिश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, सर्दियों का लाजवाब तोहफा। और ये लाइन अभी अभी मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई है, मेरे जहन में नहीं थी, सो थैंक यू सर। चले इसको अब डिश आउट करते हैं। वैसे वाकई जब हस्बैंड साथ काम कर रहे हों तो उसका एक अपना ही अलग मज़ा होता है जी। तो ये देखिए हमारी तवा फिश फ्राई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है और स्टीम भी इसके अभी तक निकल रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर वाकई ही आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।